श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे काल सर्प योग के छोटे छोटे उपाय। काल सर्प योग 3400 से भी ज्यादा होता है। यदि आपको सपने में सांप दिखाई देते हैं या हर समय तनाव और असमंजस की स्थिति बनी रहती है तो हो सकता है कि आपकी कुंडली काल सर्प योग से प्रभावित हो। जिस व्यक्ति की काल सर्प योग होता है वह जीवन भर कई परेशानियों का सामना करता है। वो कई बार इतना तनाव महसूस करता है कि उसके दिमाग में आत्महत्या तक के विचार आने लगते हैं। बस योग की शांति की जा सकती है। बहुत कम ही लोग इस योग से बच पाते हैं। यह अधिकतम लोग की कुंडली में किसी न किसी रूप में मौजूद होता ही है। मुख्यतः काल सर्प 12 प्रकार के होते हैं, वासुकी, कुलिक, अनंत, शंखपाल, पद्म, महापद्म, शंखचूड़, कर्कोटक, तक्षक और घातक, विजधर और शेष। ज्योतिष शास्त्रों के विद्वानों के अनुसार काल सर्प योग 3456 प्रकार के होते हैं। इन सभी काल सर्प योग में कर्कोटक, विजधर, घातक और शंखचूड़ है। यह सबसे अधिक दुष्प्रभावी योग होते हैं। बाकी के काल सर्प योग नुकसानदायक नहीं है। इनकी पूजा पाठ कराने से शांत हो जाते हैं। काल सर्प योग जिस व्यक्ति को होता है वो हमेशा असमंजस में रहता है तथा कोई कार्य ढंग से नहीं कर पाता है। वो हमेशा भयग्रस्त रहता है। अब इसकी शांति के उपाय हम आपको बता देते हैं। नवनाग स्तोत्र का पाठ करें, शनिवार को कुत्ते को बिस्किट खिलाएं, एक तरबूज लेकर पानी के किनारे जोर से पटक दें, एक तरबूज लेकर पानी के किनारे जोर से पटक दें, बुधवार या शनिवार को भिखारी को कंबल, उड़द, मूंग दान करें, शिव उपासना लघु रुद्र का पाठ करें, शिवलिंग पर तांबे का नाग ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाएं, चांदी का नाग और नागिन नदी में बहाएं। यदि कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे पीपल के वृक्ष के 300 दिन में 28,000 परिक्रमा करनी चाहिए। ये मैंने आपको बहुत आसान उपाय सारे बताए हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।